यह आपके सामने ये जो चित्र है इससे आप राहु एवं केतु के बारे में समझ पाएंगे। आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर काटती है, लेकिन हमें ऐसा दिखता है कि सूर्य पृथ्वी के आसपास चक्कर काटता है, ठीक है। अब पृथ्वी जो है वह सूर्य के तरफ 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है, तकरीबन ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, परंतु सूर्य का जो चाल है वो हमें ऐसे नजर आएगी, वो 23.5 डिग्री झुकी नहीं होगी, बिल्कुल सीधी नजर आएगी। तो ये मैंने लंब अगर खींचू यूं सूर्य के जो पाथ या रास्ता है उससे पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है, तो इस सूर्य के जो रास्ते का जो प्लेन है इसको एक्लिप्टिक कहते हैं। और आप ये जानते हैं कि पृथ्वी के आसपास चंद्रमा चक्कर काटता है, तो जैसे ये चंद्रमा चक्कर अगर काट रहा है तो यहां ये चंद्र हुआ और ये चंद्रमा का रास्ता हुआ पृथ्वी के आसपास, तो चंद्रमा दो जगह पर इस एक्लिप्टिक को काटेगा, इसको राहु एवं केतु कहते हैं, राहु एवं केतु। जो ऊपर चढ़ता हुआ है वो राहु है, जो नीचे उतरता हुआ है वो केतु है। तो राहु एवं केतु ये बिंदु हैं। तो जब चंद्रमा बिल्कुल सूर्य के और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा तो एक छाया सूर्य चंद्रमा की एक छाया पृथ्वी पर पड़ेगी जिससे सूर्य अस्त हो जाएगा और हमें ये सूर्य ग्रहण इसको कहते हैं। इस समय पे सूर्य की जितनी भी किरणें आती है बंद हो जाएंगी और सूर्य का असर उस समय कुछ समय तक पृथ्वी पर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि राहु केतु असल में तो कुछ नहीं है, सिर्फ छाया मात्र है, फिर भी इनका असर है, इसलिए हम देखते हैं कि ज्योतिष में भी इसका असर आता है। इस तरह जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के आगे आकर खड़ी होती है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो राहु केतु कुछ ना होते हुए भी, सिर्फ एक बिंदु होते हुए भी खगोल शास्त्र पर भी बहुत इंपॉर्टेंट असर रखते हैं, इस तरह से ज्योतिष पर भी एक बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं।